हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फेविक्रिल ग्लास कलर से डेकोरेटिव एक्वेरियम बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आपको ग्लास जार लेना है और उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना, नेचुरली ड्राई होने देना। देन बाय यूजिंग फेविक्रिल ग्लास कलर आउटलाइनर और यू कैन ऑल्सो यूज़ 3D कोन आउटलाइनर ब्लैक कलर, हम यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे हमारा एक्वेरियम का। मेक श्योर कि जब आप डिज़ाइन ड्रॉ करें तो आपके आउटलाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो और उसमें बिल्कुल भी स्पेस ना हो, क्योंकि जब अगर स्पेस रहेगा तो हम जब हम ग्लास कलर फिल करेंगे तो वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। और इसे आप अच्छे तरीके से ड्रॉ करके नेचुरली ड्राई होने दीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर डिज़ाइन ड्रॉ करा और अब हम यहाँ पर फिश ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपका जो ग्लास आउटलाइनर है या फेविक्रिल 3D कोन आउटलाइनर है वो ड्राई हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो आप उसमें नीडल या फिर सेफ्टी पिन से आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद में मेक श्योर आप उसको अच्छे तरीके से ड्राई होने दें एंड बिल्कुल भी आपको उसे टच नहीं करना है, एंड प्लीज़ अवॉइड डस्ट, ओके, अदरवाइज़ वो उस पर स्टिक हो जाएगा जो कि बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा जार कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें कलर फिल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ सबसे पहले पिंक शेड लिया है, हमारे पास में 6 शेड्स अवेलेबल है, ब्राउन, सी ब्लू, गोल्डन येलो, टमेटो रेड एंड क्रिस्टल ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने स्टोन्स में डिफरेंट कलर्स फिल कर दिए हैं एक्वेरियम का लुक देने के लिए। जब आप कलर फिल कर रहे हैं तो इसमें कई बार बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो आप मेक श्योर कि आप उनको पिन या फिर नीडल से ब्रेक करते हैं, अदरवाइज़ ये ड्राई होने के बाद में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बोतल को आपको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको बोतल को स्क्वीज़ करना है। मेक श्योर कि आप इसे शेक ना करें, स्क्वीज़ करके जेंटली आपको डिज़ाइन में फिल कर देना है। ये ऑलरेडी वाटर बेस्ड है, इनमें हमें कोई भी मीडियम या फिर कोई वाटर यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से हमें इसमें कलर फिल कर देना है। इनका भी अगर नोज़ल ब्लॉक होता है तो आप सेफ्टी पिन या नीडल से सही कर सकते हैं, और जब आप यूज़ कर ले तो इनके जो कैप है, नोज़ल है, उसको अच्छे से क्लीन करके बोतल को वापस रख सकते। नाउ हमारा डेकोरेटिव एक्वेरियम रेडी हो गया है, लेट इट ड्राई नेचुरली। सो गाइस, आपको कैसा लगा मेरा क्रिएटिव वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रो टिप, आप इसमें जेली बॉल्स ड्रॉप करके वाटर भी फील कर सकते हैं, इट लुक्स लाइक एक्वेरियम। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।